Hello friends, welcome to my channel Intelligence Talk with Gigi. फ्रेंड्स अभी अभी मैंने यूरोप का टूर किया है और अपने यूरोप टूर के एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ थ्री पार्ट्स में शेयर करने वाला हूं। इससे रिलेटेड पार्ट वन मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, आप चाहे तो पार्ट वन देख सकते हैं, ऑलरेडी अवेलेबल है। इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। पार्ट वन में मैंने अपने इटली टूर को कवर किया है डे वन से डे सिक्स। नाउ आज की वीडियो में पार्ट टू में मैं बार्सिलोना स्पेन टूर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो दोस्तों डे सेवन में हम वेनिस से निकले। वेनिस अर्ली मॉर्निंग हमारी 9 o'clock पे फ्लाइट थी फॉर बार्सिलोना के लिए। तो हम सुबह सुबह 5 बजे उठ गए और 6 बजे तक हम रेडी होकर होटल से बाहर आ गए। बेसिकली यहाँ पर मैं होटल के बारे में एक और बात आपको कहना चाहूँगा, ट्रे आर के होटल जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock पे जब होटल से बाहर जा रहे थे तो बहुत ही अच्छा गेस्चर था होटल के स्टाफ का। एक्चुअल में वहाँ का जो टाइमिंग था ब्रेकफास्ट का वो 7:30 से 9:30 था और हम सुबह सुबह 6 बजे जा रहे थे। बहुत ज़्यादा ठंड थी बाहर में वेनिस में, तो उन्होंने हमें कॉफ़ी ऑफर की और साथ में जो बेकरी आइटम जो ऑलरेडी बने होते हैं वो उन्होंने हमें ऑफर किए, ठीक है ना। ऑल दो ब्रेकफास्ट का टाइमिंग हुआ नहीं था लेकिन स्टिल उन्होंने जितना मैक्सिमम ब्रेकफास्ट वो प्रोवाइड करवा सकते थे उन्होंने करवाया, ठीक है। बहुत ही अच्छा जेस्चर था वो, बहुत अच्छा एटीट्यूड था होटल स्टाफ का। तो ऐसी कुछ बातें याद रह जाती है आपको किसी टूर में। तो उसके बाद हम निकल गए एयरपोर्ट के लिए। तो एयरपोर्ट के लिए दोस्तों हमने यहाँ पर कोई प्राइवेट टैक्सी बुक नहीं की क्योंकि प्राइवेट टैक्सी वेनिस में बहुत कॉस्टली हो जाती है। वाटर टैक्सी होती है वहाँ पर, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया वेनिस एक आयरलैंड है, तो हमने क्या किया 1.6 किलोमीटर तक विथ लगेज हमने वॉक किया। हाफ एन आवर की जर्नी थी वो, ठीक है। और उसके बाद हम बस स्टैंड पहुँच गए। बस स्टैंड से 20-20 मिनट्स में आपकी बस जाती है एयरपोर्ट के लिए, तो हमने बस ली और हम एयरपोर्ट चले गए। जस्ट 15 मिनट्स का रास्ता था वो। और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हम बार्सिलोना के लिए फ्लाइट लिए और हम बार्सिलोना पहुंच गए 11:30 मॉर्निंग में। और बार्सिलोना पहुंचने के बाद हमने शटल बस ली और हम 12:30 तक अपने होटल पहुंच गए। दोस्तों यहां पर हमारा होटल जो था वो ला रामब्लास में था और हमारे होटल का नाम भी रामब्लास होटल ही था। दोस्तों अगर आप सर्च करेंगे गूगल में भी तो ला रामब्लास जो स्ट्रीट है वो बार्सिलोना की सबसे फेमस स्ट्रीट है। ऑल दो होटल हमारा ओके था, बहुत अच्छा भी नहीं बोलूंगा, बहुत खराब भी नहीं बोलूंगा, ठीक था, कंफर्टेबल था, बट जो स्ट्रीट थी, जो लोकेशन थी होटल की वो एक्सीलेंट थी एक्चुअल में। और हमें काफी अच्छा लगा वहां एंटर करते ही। और दोस्तों यहां पर एक और पॉइंट में मेंशन करना चाहूंगा, इटली में बहुत ज्यादा शांत था एनवायरमेंट, नो डाउट इटली बहुत ही बढ़िया था, आर्किटेक्चर वाइज बहुत ही एक्सीलेंट था। तो हमने वो सब इंजॉय कर लिया था, अब हमें वैरायटी चाहिए थी। तो बार्सिलोना में हमें वही वैरायटी मिल गई। यहाँ पे माहौल काफी वाइब्रेंट था, पार्टी प्लेस था बिल्कुल बार्सिलोना। तो काफी यूनिक एक्सपीरियंस वो भी हुआ हमारे लिए। हमने जैसे ही बार्सिलोना में एंटर किया हमने होटल में चेक इन किया, उसके बाद कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम निकल गए ला रामब्लास स्ट्रीट में वॉक करने के लिए। दोस्तों काफी सुंदर स्ट्रीट थी, हमें 2 आवर्स लग गए पूरी स्ट्रीट में वॉक करने में, ठीक है। और हमने काफी पिक्स ली, काफी यूनिक आर्किटेक्चर हमें वहां भी मिले और हमने वहां पर अलग अलग फूड का मजा भी लिया। वहां पर 2 फूड काफी फेमस हैं, तापास और पायाया, हमने दोनों फूड का एंजॉयमेंट किया वहां पर। एंड इसके बाद हम बीच की तरफ चले गए, ठीक है। बार्सिलोना में बीचेस बहुत बढ़िया बढ़िया अवेलेबल हैं, तो हम बीच की तरफ चले गए। हमारे होटल से बीच का जो रास्ता है वो जस्ट 1.5 किलोमीटर के अप्रॉक्स था। तो वो जो रास्ता था बीच का वो भी बहुत ही खूबसूरत था दोस्तों, काफी हमने इंजॉय किया। वहां पर काफी स्ट्रीट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिले रास्ते में, काफी सिंगिंग परफॉर्मेंस हमें देखने को मिले, डांसिंग परफॉर्मेंस हमें देखने को मिले। जैसा मैंने आपको बोला बहुत वाइब्रेंट है बार्सिलोना, पूरा का पूरा आपका पार्टी प्लेस है। और बीच में जाकर हमने थोड़ा बहुत रिलैक्स किया वहां पर, इंजॉय किया 1 आवर तक। और इसके बाद हम अपने होटल वापस आ गए और होटल वापस आने के बाद हमने यहाँ पर फ्लेमेंको शो का मजा लिया। दोस्तों आपने मूवी देखी होगी जिंदगी ना मिलेगा दोबारा, ऋतिक रोशन अभय देवल की, और उसमें आपने देखा होगा फ्लेमेंको शो क्योंकि वो भी स्पेन टूरिज्म के लिए ही जाते हैं। तो यहाँ पर हमने फ्लेमेंको शो का मजा लिया, काफ़ी बढ़िया शो था, थोड़ा कॉस्टली जरूर था लेकिन पूरा पैसा वसूल था। तो इंजॉय करने के बाद फ्लेमेंको शो को हम होटल में आकर
नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन करने लगे। और नेक्स्ट डे दोस्तों, सेकेंड डे बार्सिलोना का, यहां पर बार्सिलोना के सेकेंड डे और थर्ड डे के लिए हमने पहले से ही हॉप एंड हॉफ बस बुक करा रखी थी। बार्सिलोना थोड़ी सी बड़ी सिटी है एज कंपेयर टू फ्लोरेंस, रोम और वेनिस, तो हमें यहाँ पर कोई ना कोई मीडियम चाहिए था, कोई ना कोई तरीका चाहिए था जिससे हम पूरी सिटी को कवर कर सकें। तो हमने पहली रिसर्च कर रखी थी और हमने हॉप एंड हॉफ बस बुक करा ली थी। तो हॉप एंड हॉफ बस के दो रूट्स थे टोटल, इसलिए हमने दो दिन का पास लिया था हॉप एंड हॉफ बस का। डे वन में हमने रूट वन कवर किया। रूट वन में 15 टू 16 अट्रैक्शन बस ने कवर किए, ठीक है। तो हमने कुछ अट्रैक्शन में अंदर घुस के मजा लिया, मीन्स हमने वहां पर एंट्री फीस दी, और कुछ अट्रैक्शन हमने जस्ट बाहर से देख लिए। यहां पर हॉप एंड ऑफ बस के बारे में एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये डबल डेकर बस होती है और अगर आप ऊपर बैठ जाएं तो बिल्कुल खुला सा एनवायरमेंट आपको लगेगा, बिल्कुल आप अगल बगल की चीजें सारी वॉच कर सकते हैं। आपको एक ऑडियो गाइड भी मिलता है, मीन्स आपको हेडफोन मिलेगा और आपको हेडफोन आप जब लगा लेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलते जाएगी जिस जिस अट्रैक्शन से आप पास होंगे, ठीक है। तो काफी अच्छा था हॉप एंड ऑफ बस का सफर भी हमारा। तो हमने यहाँ पर जो मेन अट्रैक्शन कवर किए, मैं सारे अट्रैक्शन के नाम नहीं ले रहा यहाँ पर, जो मेन अट्रैक्शन कवर किए लाइक पार्क ग्वेल बार्सिलोना में बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, बहुत ही मेजर अट्रैक्शन है यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, पार्क ग्वेल में जो एंट्री फीस है वो लगभग 8 यूरोस की है, लेकिन पार्क ग्वेल में बहुत सारा एरिया है जो फ्री है, ठीक है, आपको कोई फीस नहीं देनी एंट्री करने के लिए। तो हमने फ्री एरिया को ही विजिट किया, और जब हमने फ्री एरिया विजिट किया तो जो एंट्री फीस वाला एरिया था वो विजिबल था वहां से। तो बेसिकली मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप मनी सेव करना चाहते हैं तो आप फ्री एरिया विजिट करिए, जहां पर एंट्री फीस देनी होती है वो एरिया फ्री एरिया से विजिट होता है, ठीक है। तो आप यहां पर अपनी मनी सेव कर सकते हैं। एंड इसके बाद हम लोगों ने जो अट्रैक्शन कवर किए वो सेग्रेडा फैमिलिया, बहुत ही फेमस चर्च है, वो हमने बाहर से ही देखा, ठीक है, क्योंकि एंट्री फीस बहुत ज्यादा थी। इसके अलावा कासा बाल्टो, कासा मिला, ये सब भी हमने बाहर से ही इंजॉय किया। अंदर से हमने एक और अट्रैक्शन देखा, वहां पर एक बहुत ही फेमस एक्वेरियम है बार्सिलोना में, वो अट्रैक्शन भी हमने अंदर जाकर देखा, काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। वहां पर हमने शार्क देखी, ठीक है, उसकी पिक्स मैं शेयर करूंगा आपके साथ, आप देखिएगा, ठीक है। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड इसके बाद डे वन में जब हॉप एंड ऑफ बस का रूट जो था वो फिनिश हो गया, तो इवनिंग के 6 o'clock हो चुके थे, तो फिर हम डायरेक्ट चले गए बीच की तरफ वापस से, क्योंकि बीच का एनवायरमेंट वहां पर बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग था, वाटर बहुत ही क्लीन था। ऑल दो बहुत ज्यादा ठंड थी तो हम बीच में अंदर तो नहीं जा सकते थे, लेकिन स्टिल हम बाहर से काफी इंजॉय किए। एंड बीच में इंजॉय करने के बाद, बीच काफी पार्टी प्लेस था बीच में भी, तो बीच में इंजॉय करने के बाद हम वापस आ गए अपने होटल की तरफ, और फिर हमारा जो डे था सेकेंड डे बार्सिलोना का वो भी आपका फिनिश हो गया। डे थ्री में दोस्तों हमें निकलना भी था आगे की तरफ, हमें फ्रांस की तरफ जाना था आगे। तो डे थ्री में हमने क्या किया, अर्ली मॉर्निंग ही हमने चेक आउट कर दिया और अपना लगेज जो था वो होटल के लगेज रूम में रखा दिया। यहां पर दोस्तों होटल का लगेज रूम फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं था, यहां पर आपको 2 euros पे करने थे, बट स्टिल एक सेपरेट लॉकर हमें मिल रहा था, हमारा सारा लगेज एक लॉकर में आ गया, तो वर्थ था, वो आपका लगेज सेफ था, ठीक है। तो हमने लगेज रूम में लगेज रखा देने के बाद हम निकल गए फिर से घूमने के लिए। आज हमारा हॉप एंड हॉप का सेकेंड डे था, हमने रूट टू कवर किया आज दोस्तों। रूट वन में नो डाउट बहुत ही फेमस अट्रैक्शंस थे, जो कि अगर आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो आपको वही अट्रैक्शंस के नाम शो करेगा बार्सिलोना के, लेकिन रूट टू बहुत ही बढ़िया था, एक्चुअली ज़्यादा बढ़िया था रूट वन के कंपैरिजन में, क्योंकि रूट टू में बेसिकली बस ने हिल्स का एरिया कवर किया, हिल स्टेशन हम गए बेसिकली आप बोल सकते हैं। तो जब हमने हिल्स पे गए तो वहां से जो व्यूज था, वहां जो नेचुरल ब्यूटी थी वो बहुत ही बढ़िया थी दोस्तों, तो काफी मजा आया हमें वहां पर। एंड इसके अलावा और भी बहुत सुंदर सुंदर अट्रैक्शन कवर किए हमने। बार्सिलोना का फुटबॉल ग्राउंड देखा, अगर आप फुटबॉल के शौकीन है तो आपने सुना ही होगा कि बार्सिलोना का फुटबॉल ग्राउंड कितना ज्यादा फेमस है, तो हमने फुटबॉल ग्राउंड भी देखा बार्सिलोना का रूट टू में। और इसके बाद हमने 3 o'clock तक अपना रूट टू कवर करके हम होटल आ गए, क्योंकि हमें अब शाम की फ्लाइट भी कैच करनी थी फॉर फ्रांस। तो हमने वहां पर आके सबसे पहले लंच किया और होटल से अपना सामान लेकर हम निकल गए एयरपोर्ट की तरफ,
शटल बस से, और एयरपोर्ट हम लगभग 5:30-6 o'clock तक पहुंच गए थे। हमारी 8 o'clock की फ्लाइट थी, ठीक है, तो हमने वहां से फिर फ्लाइट ली फॉर फ्रांस। तो दोस्तों ये था हमारा बार्सिलोना टूर, और बार्सिलोना टूर दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, बार्सिलोना एक बहुत ही वाइब्रेंट सिटी है। अगर आपको पार्टीज पसंद है तो आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं बार्सिलोना को। इवन अगर आप नॉर्मल स्ट्रीट में भी वॉक कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी अट्रैक्टिव चीज़ें दिख जाएंगी, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं है बार्सिलोना में, ठीक है। इसके अलावा बार्सिलोना में रात की आफ्टर 12 o'clock के बाद की बीच पार्टीज काफ़ी फेमस है, पर चूंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी इसलिए हमने उसका एंजॉयमेंट नहीं लिया, बट स्टिल अगर आप कभी बार्सिलोना जाएं तो वहां पर 12 o'clock के बाद बीच पार्टीज जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है, आप उसका भी एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन पर जरूर क्लिक करिए, और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू।